हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? राम राम सारे ने, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख ला रहे हो अपना चैनल। तो भाई आज अपन ने रूट बना लिया है भोले बाबा के दर्शन करने का हरिद्वार का। तो आप गुवाना था 5 बजे चाल पड़े थे भाई, तो फिलहाल आप टोल पर पहुंच गए। हाँ, आपने टोल बतावा जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो भाई यो टोल है तो आड़े पहुंच गए यहाँ पा। तो ये अड़े पर्ची और टोल कटवा लाग रहे थे तो अड़े रुक गया थोड़ी देर। तो ये अपने सिस्टर जी है और भाभी जी हैं और ये अपारे लड़ले काटले छोरे भाइयों अपना कार्तिक से और वो भाई विजय कुमार और अमित कुमार। तो अपने दिखाते रहो आइए पूरे हरिद्वार तक की वीडियो। तो आप मोए कर। गाइस अब हम आगे तो यहाँ पर खाएंगे खाना। तो ये कार्तिक देखो ये है भाई, तो हम दादू तुरते हैं। तो देखो कार्तिक आनंद ले रहा है। कैसे हो? देखो भाई क्या मनमोहक दृश्य है, बहुत अच्छा दृश्य है। और ये जो भी वीडियो बनाने लग रही है और ये अंजलि, हाँ जी कैसे हो? ये इसको उल्टी में उल्टी हो रखी है इसलिए सैड है। तो साथियों फिलहाल आप रुक गए हम अन्य ढाबा पे, थोड़ा खाना खुना खावांगे, भूख लाग रही है थोड़ी ही, भूख महसूस हुई तो भैया रुक गए। हाँ तो पुनेरो मतलब देखो ये बुलावा अंदर, देखो ये भी भूख की मर चुकी है और खाना खाने के लिए मन ढाबे रुके हैं। तो यहाँ का फेमस ढाबा है ये। तो भाई ये हमारे कार्तिक कंपनिया ब्लॉग चैनल पे आपका स्वागत है। यो भाई ऑर्डर दे दिया है। यो कार्तिक अपने पिताजी के साथ मस्ती करते हुए आप देख रहे हैं, देखिए। और ये विजय पहलवान बैठे हुए है, ये इंदुरानी और ये अमित और अंजलि और ये हमारी बाबा। तो भाई अभी खाना बोल दिया है तो अभी आने वाला है। क्या ले भाई पहुंच गया हरिद्वार, बोलो जय बाबा भोले। कार्तिक ने ले भाई राम राम भाई, रात के 11:30 बज गए हैं। तो आपने ठीक टाइम बता दियो, फिलहाल 11:19 हो गए भाई आपा हरिद्वार में पहुंच गए। हाँ बाबा भोले की नगरी में। तो भाई आपा सच्ची बतावा सो गए थे तो ये उठे हैं भाई, दर्शन भी करे चलदन है। तो आप देखो ये भाभी जी रही है, ये भाई है सिस्टर विजय और कार्तिक भाई बस लाग रहा है। तो और भी बोले कि आपने दर्शन करावांगे तो बने रहो हमारे साथ। मैं भोलेनाथ की ला भैया पा गए। हाँ फिलहाल हर की पौड़ी पर देखो भैये गंगा स्नान करने लगे हैं। देख सको भाई अपने सारे जने किस तरीका से डर रहे हैं भाई, गंगा का में स्नान भी करने लग रहे हैं। तो देख सको ये हमारे लाडले कुड़ले दो बैठे भाई लब भाई ज्यादा चढ़ गया भाई ना ली है भी कुश्ती। अरे वो कार्तिक ना है कौन है जबरदस्ती नवा दी भाई, देखो बेचारी क्या हालत कर दी। भोलेनाथ के भाई कुसुत्ता डांडा चढ़ रहा है, रात के 12 बज गए हैं। अरे नाली है भाई कुसुत्ता डांडा चढ़ गया सारे का। तो भाई फिलहाल देख सको यो हर की पौड़ी के पास में। हाँ तो बहुत अच्छा नजारा है, दर्शन करने लायक है भोलेनाथ, सबकी मनोकामना पूरी करे भाई। तेज भाव है गंगा का, आप देख सको हो जबरदस्त तेज भाव है। ज्यादा चढ़ गया तोर भाई मारी बाबा भी नाली है। हेलो बाबा, हाँ कार्तिक जी कैसे हो? तो भाई फोन भी कमन लग गया है तो ज्यादा गणा चढ़ गया तो बोलिया भी नहीं था। बताओ कैसे हो? डटो ना। जय भोलेनाथ की भाई, आप नहा लिया? हाँ फिलहाल देख लो, देख लाग रहे हो भाई आप
अरे के पौड़ी पे हाँ भोलेनाथ के दर्शन करना आ गया भाई। आज जय भोलेनाथ की जो बने रहो हमारे साथ में भाई। आपने हरिद्वार की पल पल की वीडियो भी आपने दिखावांगे। देखो भाई यार कितने श्रद्धालु है जो अपने भोलेनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। तो आप देख ला रहे हो भाई, देखो ये किस तरीका का भाई नाला है अपना भाई जय भोलेनाथ की। ले भाई देखो यहाँ अपने बगेंदु जैसा लग रहा है आपको हरिद्वार में आके आजा ये देखो भाई फोटो खिंचवाने के लिए देखो जय भोलेनाथ की जय हो, जय हो गंगा मैया की जय हो। ले भाई जब भोलेनाथ की टाइम हो गया रात का सुबह एक, तो भाई अपन है वो रिंकू टी स्टॉल है भाई, अपन चाह मनवाई है चाह पीवाई है भाई, क्यों गंगा हमने आए तो बहुत ज्यादा डाडा हो गया था, तो इन बड़का खातर ये बिस्कुट लिए भाई पार्ले जी के। ये बार देखो भाई छोटे छोटे पार्ले जी के बिस्कुट, थोड़ा बहुत भाई सामान तो महंगा मिले है भाई, यह बात तो कहनी पड़ेगी। तो ये अपने विजय जी क्या कहना चाहेंगे आज आप हरिद्वार आए हो? मैं तो घनी बार आ रही है, ये पहली बार आ रही है ये नू देख। ले भाई ये बाबा भाई सभी को बिस्कुट खिला रही है, खा सकते हो। विकास हो रही है, एक का सही गड्डी ठेले वाला था। हां जी विकास जी कैसे हो, क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत मजा आ रहा है, बाल कटवाया। अच्छा अच्छा कार्तिक क्या कहना चाहेंगे? ले भाई बाप अपनी चाण नोरी है तो चाह पीवांगे। अरे आर हरिद्वार का ब्लॉग आपने देखने नहीं मिलेगा साथियों, चाय का जायका लेते हुए हरिद्वार में ले ले इनकी दुकान ने फेमस कर दिया थोड़ी ही। अरे फेमस ही हमारी दुकान भाई, पार्किंग में कहीं भी पूछ लियो। Hey
अच्छा नीचे गए, ये ऋषिकेश के पहाड़ भैया, अभी झरना है देखने के लिए हम जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं। लावा देखो मारा है तो ये रही भाई, थोड़ा ऊपर चढ़ के देखा हम भी पहाड़ के ऊपर तो कैसा नजारा है। बाकी ऊंचाई पर तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ले भाई देखो पहाड़ का नजारा। तो साथियों बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे हम आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पर झरना है जो आपको दिखाएंगे। तो आपने वो देखो बिल्कुल थक चुके हैं बेचारों का चेहरा मायूस नजर आ रहा है, देख सकते हैं कितने ऊंचाई पर ये झरनों का लुत्फ और ऊंचाई और आपको दिखा दूं। देखो किस तरीके से झरनों को पानी झरने के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं और इतनी ऊंचाई पर। और ये झरना देखो ये आ गया नीर वाटरफॉल, देख सकते हो इसको देखने के लिए जो है बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और झरने का पानी ये इकट्ठा कर रहे हैं पीने के लिए। ओ देखिए क्या सुंदर खूब नजारा, पहली बार ऋषिकेश के पहाड़ों पर। तो बिल्कुल थक चुके हैं तो इनका भी चेहरा मायूस नजर आ रहा है इतनी दूर। मामी को ले ओ, देखो कार्तिक भी बहुत ही भाग्यशाली है जो इतना ऊंचा आ गए हैं। पानी की बोतल कौन सा है? और ये पानी की बोतल यहीं से भर के बेच दी जाती होगी शायद, वो थोड़ा सा फोन ना देखे ना इतने बूटे इकट्ठे बैठेंगे। ओ कितने देख सको भाई कैसी थक गई है ये किस तरीके से। ओ देखो भाई कितनी ऊंचाई पे हम आ गए हैं। लो भाई वो पहली बार जिंदगी में पहली बार इतने पहाड़ों का एंजॉय लिया है, मजा लिया है, पहली बार इतनी लंबा पहाड़ों की चढ़ाई की है। तो ये झरना एक देखने लायक होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ देखने लायक दृश्य। हेलो गाइस, फिलहाल हम आज देख सकते हैं बहुत ज्यादा ऊंचाई, शायद मैं आपको बता तो नहीं सकता कितनी ऊंचाई पर फिलहाल हम हैं, अगर कोई बोर्ड वगैरह लगा हुआ तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऊंचाई लगभग थोड़ा ऊंचा हो रहा है यहाँ पर पहुँचा है। तो यहाँ पर विक्रम मस्ती कर रहे हैं, तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा देखने लायक नजारा है। जो आप लिया ना जो है कि नाम लग रहा है झरना बहुत बढ़िया, बहुत ठंडा पानी है बर्फ का, आप देख सको भाई ठंडा पानी भाई करिए भाई, और पूरा हरिद्वार के रण
आके साथियों देखो ये पर्वत, आज प्रकृति का नजारा आपको देखने को मिलेगा। और नदी के अंदर देखो ये कैसे नाव में सवार होकर के सवारी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, देखिए। देखिए देखिए प्रकृति का नजारा लेते हुए इतने ज्यादा नहीं मारने पड़ते, मान ले बोट है थोड़ी सी शांत पानी मार देना तब मारने पड़ते, तेज भाव में उठ गई। उल्टे पड़े गए राम राम जी सारे ने, तो आप पहुंच गए। हाँ नीलकंठ है, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भाई समुद्र तल की गए। अगर आप बात करा तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, हाँ तो आड़े देखा भाई पहाड़ा पर भी घर बसा के रहने लग रहा है। तो एक ताई जी मिली है तो बातचीत करो। राम राम ताई जी। राम राम। राम राम, कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ। आप इतनी ऊंचाई पे रहते हो, पहाड़ पे डर वगैरह नहीं लगता आपको? ऊंचाई नहीं लगता, ये नहीं लगता, प्लेन है। अच्छा अच्छा, ऊंचाई कहाँ, ऊंचाई तो ऊपर है भगवान जी के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। ले भाई ताई ने तो कुछ और ही बात कह दी। नहीं, वैसे देखो मारे भर क्या हुआ ताई जी, बहुत ऊंचाई कहाँ है, ये तो बहुत सुच जगह है। अच्छा, अगर सामान वगैरह, अच्छा अच्छा, जैसे जमीन धरती होती है, बाघ नहीं आएगा, शेर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, कोई खतरा भी नहीं है, कुछ नहीं है, रात भर यहीं पे सो जाओ। अच्छा अच्छा, आम खाने आएगा, आम खा के चले जाएगा। अच्छा, प्रकृति का बिल्कुल प्रकृति ने फ्री में जो सब्जी है वो भी अपना मिल जाए। तो सामान की बात करा था, सामान वगैरह कितने की कुछ मिला है सामान? हाँ माले, चाय पत्ती कुछ भी अगर लेना वो तो आपने वहाँ से। हाँ मान लिया, अगर आपने चाय पानी बनानी है, दूध पत्ती चाय ये इस वगैरह की चीज कहाँ से लाते हो आप? बाजार से। अच्छा, नीचे से लाके? हाँ, ट्रक गाड़ी आती है हमारे वहाँ, तो इधर से आई मैं पार्किंग से ना। हाँ हाँ, तो वहीं से लाते हैं, गाड़ी गाड़ी वहीं है, ट्रक आता है, सारी कुछ है वहाँ। अच्छा अच्छा, हर सुविधा है। अच्छा अच्छा, चाय पी लो, दूध बनवा लो, गाय से कैसे पकौड़ी बना दो, कुछ भी बना दो। अच्छा, ये पशु वगैरह बांध रखे अपने, गाय भी है, बकरी? हाँ, इनकी हाइट तो बहुत छोटी है, यहाँ छोटी छोटी है, बोलती है। वैसे भाई ताई ने कहा भाई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी प्रकृति का अपना आनंद मिलेगा, देख सको हो। अराड़ा आम भी भाई बालक तोड़ लाग रहे, देख सको कितने जबरदस्त बड़े आम लाग रहे हैं। और छोटे क्या ला है? तो भाई देखो तोड़ लो आंटी, तो अपनी ये है भाई, कितने फरवट है आम तोड़ने लाग रहे हैं। भाई कैसे हो बच्चे हो? अच्छा, डर नहीं लगता है ऊंचाई पे, और फिर भी पेड़ की ऊंचाई पे चढ़ गए? अच्छा, एक बार राम राम कर दे सारे ने। क्या नाम है अपना? अच्छा अच्छा, कदम मजे ले भाई, बहुत अच्छी प्रकृति है भाई, बहुत अच्छा। और छोटे कैसे हो? राम राम कर दो,
ला भाई देखो भाई बहुत ज्यादा पा इस वक्त ऊंचाई पा हाँ तो भाई मन्ना तो लागे बढ़िया बिल्कुल इनका रहना सहना बहुत अच्छा है। हाँ भाई जी कैसे हो बोलो एकदम से मनमोहक दृश्य है भाई देखो ये बच्चे आम तोड़ने लग रहे हैं बहुत जबरदस्त। ये भाई हमारी भाभी जी अंजलि जी भी यहाँ पर आम तोड़ने के लिए आ गई है खट्टा मीठा खाने के लिए। तो भाई अपना चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो भाई जिस भी भाई ने नहीं कर रखा।